नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव ओम शिव। दोस्तों आज तारीख है 13 अगस्त 2020, शुभ दिन है, गुरुवार का दिन, शुभ तिथि है अष्टमी, शुभ नक्षत्र है रोहिणी। दोस्तों आज रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रदेव ऊंच के हैं, इसलिए आज कर्क राशि वाले जातक और वृष राशि वाले जातक आप दोनों का आज भाग्य साथ देगा, सोही किस्मत, आज जागृत होने के पूरे योग हैं। आपकी कोशिशें हर तरफ से आपको आज खुशी प्रदान करेगी, आपका भाग्य आज आपका साथ देगा। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वाले दोस्तों, आपके शत्रु आपकी छवि को बिगाड़ने का आज पूरा प्रयत्न करेंगे। आज किसी पर ज़्यादा विश्वास करना आपके नुकसानदायक है, आपको भ्रमित कर सकता है, आपके बनते कार्यों में विघ्न पड़ सकती है, आपके बनते कार्य आज खराब हो सकते हैं। वृष राशि, वृष राशि वाले दोस्तों, आज आपका अपना दिन है, चंद्रदेव आपकी राशि में ऊंच के हैं, आपके लिए सभी मनोरथ सिद्ध करने का दिन है, योजनाएं सफल होंगी, सर्व कार्य सिद्ध होंगे, छोटी मोटी बीमारी से कफ से परेशानी हो सकती है, कारोबार की स्थिति आज अनुकूल रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले दोस्तों, आप थोड़ा सा जो भी फैसला लें सोच समझ के लें, विचार करके लें, जल्दबाजी से बचें, खुद भी भ्रमित ना हो, दूसरों को भी भ्रमित ना करें, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ज़्यादा भ्रमित ना हो, मन में से निराशा को निकाल दीजिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा, योजनाएं सभी सफल होंगी, सर्व प्रकार की सिद्धियां, हर प्रकार के कार्य सिद्ध होने का आज योग है, कहीं भी दिक्कत परेशानी मामूली से भी आपको परेशान नहीं करेगी, आपके आज सर्व कार्य सिद्ध होंगे, आपके आज फैसले बहुत बढ़िया होने वाले हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले दोस्तों, अगर आप कोई कोर्ट केस करने के बारे में या कोई भूमि विवाद को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आप उस पर फैसला ले लीजिए, आज का आपका लिया हुआ फैसला आगे चल के आपको फायदेमंद रहेगा, लाभ देगा, आपकी योजनाएं सफल होंगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले दोस्तों, व्यापार की स्थिति आज बहुत बढ़िया रहेगी, जाने अनजाने में कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए फायदेमंद है, लाभकारी है, योजनाएं आपकी आज सफल होंगी, सिद्ध होंगी, आज आपकी मंशा पूरी होगी। तुला राशि, तुला राशि वाले दोस्तों, आज धन का खर्च थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकता है आपको, योजनाएं बनती बनती बिगड़ सकती हैं, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, दूसरों की सलाह से चलें, आपके लिए दिन बढ़िया है, सर्वोत्तम है, कार्य सिद्ध होने के आज पूर्ण योग है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आज कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको भविष्य में तकलीफ दे या आपको भविष्य में कोई कचहरी कोर्ट में फंसा सकता है, कुछ भी स्वार्थ भाव को त्याग दें, निस्वार्थ होकर काम करें, अपने स्वार्थ को दूर करें, आपका दिन मंगल में रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। धनुराशि, धनुराशि वाले दोस्तों, आज आपकी एक यात्रा का योग बनता है, यात्रा से आपको पूर्ण लाभ होने के चांसेस हैं, आप जो भी योजनाएं बना रहे हैं आपको उनका फायदा मिलेगा, कुत्ते को दूध पिलाना आपके लिए आज लाभकारी रहेगा, आपकी यह योजनाएं सफल होंगी। मकर राशि, मकर राशि वाले दोस्तों, अगर आप यात्रा का विचार कर रहे हैं तो इसे टालिए मत, आपकी योजनाएं सही दिशा में चल रही हैं, आपकी परियोजनाएं सही मार्ग में, सही उड़ान में चल रही हैं, विदेशों से भी कुछ ना कुछ अच्छी राहत मिलने की उम्मीद मिल सकती है, रुके धन की प्राप्ति हो सकती है, योजनाओं में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले दोस्तों, थोड़ा सा कारोबार की स्थिति सामान्य रहेगी, कोई पुरानी उलझन, कोई पुराना विवाद आज खड़ा हो सकता है, आराम से उसे सुने समझें और उसमें से निकलने का हल ढूंढिए, आज आपके लिए फैसले हक में रहेंगे, योजनाएं कामयाब होंगी। मीन राशि, मीन राशि वाले दोस्तों, आज आपको थोड़ा बच के रहना है, चापलूसों से बचना है, थोड़ा सा परहेज रखें, आज मित्रों से दूरी बनाए रखें, आज आपके मित्र आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको यूज़ कर सकते हैं और आपका नुकसान करवा सकते हैं। दोस्तों ये था आपका आज का राशिफल, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव ओम शिव।